हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएनएल। आज एनसीईआरटी का जो सेवेंथ क्लास जियोग्राफी फिफ्थ चैप्टर कवर करेंगे वाटर। ओके, वाटर क्या है? वाटर इज लाइफ। ओके, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल, ओके, पिटर पैटर ऑफ रेनड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, चिल्ड्रंस लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पैडल। By noon, the puddles vanish. Where does the water go? The sun's heat, okay, causes evaporation of water into vapor. Means जो sun का heat है, okay, sun का जो ray पड़ता है, heat आता है, तो वो क्या करता है? Evaporation of the water करता है. Means उसको steam जैसा करके evaporation करके ऊपर ले लेता है, okay. When the water vapor cools down, it condenses and forms the cloud. जब क्या है, ऊपर पानी चला जाता है, vapor चला जाता है, वहाँ पे cool हो जाता है और वो क्या होता है, वो कंडेंस होके forms cloud होके नीचे आता है फिर, okay? From there, it may fall on the land or sea in the form of the rain, snow or sleet, okay? The process by which water continually changes its forms and land is known as water cycle. तो water cycle ये है, देखिए ये है water है, ठीक है, ये sea water है, या lake water, कोई भी है water, वो evaporation होता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे cloud formation होता है, ठीक है, condensation होता है, यहाँ पे cloud formation होता है, फिर आता है यहाँ पे precipitation होता है, ठीक है, precipitation होके फिर आएगा rain of means पानी नीचे आएगा, फिर semi process ये होता है, जस्ट लाइक ए सर्कल, ओके, ये इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ओके। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर, द ओशंस बॉडीज एंड सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर। सबको मालूम है जो सी एंड ओशन वाला है वो क्या होता है कि वो सॉल्टी वाटर होता है, बट रिवर्स पॉन्ड्स में कौन सा वाटर होता है? वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, हम जो ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें एक्चुअली ये रोटेटेड है, तो ये देखिए यहाँ पे इंडियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ओके, ऐसे मेजर सी है, कैस्पियन सी है, ओके, अमेजन है, अमेजन साल्ट लेक है यहाँ पे। तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिजल्व सॉल्ट, मोस्ट ऑफ सॉल्ट इन सोडियम क्लोराइड एंड कॉमन टेबल ऑफ द सॉल्ट यू ईट, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये यूपीएससी का क्वेश्चन में आया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था ये वाला, ओके। इज ऑल द वाटर ऑफ अर्थ अवेलेबल टू अस, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द परसेंटेज। तो ओशन में क्या है, हमें पता है कि जो ओशन है वो मैक्सिमम कवर अप करके रखा है, ठीक है, ओशंस 97.3 है, सेलाइन वाटर है, आइस केप्स 0.02 है, ग्राउंड वाटर क्या है 0.68 है, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009 से है, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स होता है 0.009 है, एटमॉस्फेयर है 0.019, रिवर्स है 0.001, ओके, ये है फ्रेश वाटर्स। तो टोटल मिलाकर कितना है 100%, तो ऐसे आएगा क्रोनोलॉजिकली, पहले कौन सा आएगा, ओशन आएगा, आइस केप्स आएगा, ग्राउंड वाटर्स आएगा, फ्रेश वाटर लेक्स आएगा, इनलैंड सी, ठीक है, सॉल्ट एटमॉस्फेयर, रिवर्स आएगा। यहाँ पे एक अच्छा चीज दिया है, सालिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 grams of the water, the average salinity of ocean is 35 ppt बोलते हैं इसको, ठीक है, parts per thousands, जो salinity है, salinity of ocean का क्या होता है 35 ppt है। Dead Sea in Israel, okay, Israel has salinity of 340 grams per liter of the water, swimmers can float in it
बिकॉज द इंक्रीजिंग सॉल्ट कॉन्टेंट्स मेक्स इट डेंस। सो यहाँ पे ज्यादा है, इजराइल में जो डेड सी है वहां पे क्या है, सॉल्ट ज्यादा है, तो सो दैट यहाँ पे इजीली फ्लोट कर सकता है। ठीक है, जो मार्च 22 है, ठीक है, सेलिब्रेटेड एज वाटर डे। ओके, ये जो वाटर डे मार्च 22 का होता है, हर साल होता है। ठीक है, ओशन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट द वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सीस ऑफ द वेट सैंड ऑन बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। ओके, unlike the calm waters of the ponds and lakes, ocean water keeps the moving continuously. It is never still the moment. Okay, moment that occurs in the oceans can be broadly categorized wave, tides and current. तो यहाँ पे basically हम जानेंगे क्या है waves, tides and current के बारे में. Okay. तो first one is waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises, falls suddenly, they are called waves. ये क्या है? Waves जो है, okay, waves क्या होता है? Waves जब क्या होता है ना, उसका जब हम play करते बीच में जो एक ball वहाँ पे डाल देते हैं, तो वो क्या होता है waves में? तो ऊपर नीचे होता है, तो वो है waves है, ठीक है? During the storm, okay, the winds blowing at very high speed form huge waves, okay, they may cause tremendous destruction in earthquake, volcanic eruption, okay, underwater landslide, can shift large amount of ocean water, is a result a huge tidal wave called tsunami. तो ये जो होता है अर्थक्वेक, वल्कन इरप्शन, सुनामी होता है, तो वेव्स वहां पे जहां पे क्रिएट होता है वहां से बड़ा सा वेव्स क्रिएट होके कहां पे शोर की तरफ आता है। ठीक है, दैट मे बी हाइट ऑफ द 15 meters, ठीक है, आर दीज वेव्स ट्रैवल स्पीड ऑफ द 700 km/h, सुनामी ऑफ द 2004 कॉज्ड द वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान, इंडिया पॉइंट कहाँ पे है ना, अंडमान निकोबार में है। ओके, गॉट समर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, जब सुनामी हुआ था 2004 में, उसके बाद जो इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार में वो डूब गया है। सुनामी द अर्थक्वेक्स पेंडेमोनियम, ओके, सुनामी और क्या था, हार्बर वेव स्ट्रक हवक इन द इंडियन ओशन ऑन द 27, जो 2004 में सुनामी हुआ था उसके बारे में दिया है। ओके, ये देखिए सुनामी में कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी ऑन द तमिलनाडु कोस्ट। उसके बाद टाइड्स, टाइड्स क्या है, द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। जो टाइड्स ये होता है, दिन में दो बार क्या होता है ना, पानी एक तो क्या है, दो बार क्या होता है, ऊपर आता है और नीचे पूरा एकदम बहुत दूर तक चले जाता है, शोर के दूर तक चला जाता है। तो जब वो एकदम शोर के पास आ जाता है उसको हाई टाइड बोलते हैं, एंड जो सी जो ओशन वाटर है वो एकदम शोर से बहुत दूर चला जाता है तो उसको लो टाइड बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपन द मून एंड सन अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड। इट इज हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द शोर बाय द राइजिंग इन हाईएस्ट लेवल, इट इज लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स द लोएस्ट लेवल रिसीड्स फ्रॉम द सन। ये मैंने बता दिया। अभी देखो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है। ओके, इसको बोलते हैं नीप टाइड, और ये बोलता है स्प्रिंग टाइड। ओके, ये देखिए अर्थ मून सन एक लाइन में होंगे तो वो होता है स्प्रिंग टाइड, और ये हो गया, ठीक है, अर्थ मून यहाँ पे सन, ये भी स्प्रिंग टाइड। ओके, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय द सन मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू
moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force caused high tide. जब क्या होता है कि जब वाटर मून के पास आ जाता है तो उस टाइम क्या होता है हाई टाइड हो जाता है. द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल, मून में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वो अट्रैक्ट करता है एंड कॉज द हाई टाइड्स ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून्स डेज. द सन मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइंस द टाइड्स आर हाईएस्ट. जब सन मून एंड सन मून एंड अर्थ एक लाइन में आ जाते तब उस टाइम में हाईएस्ट होता है. These tides are called the spring tides. इसको बोलते क्या है spring tides बोलते हैं. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction. The gravitational pull of the sun and moon result in low tides. ये देखिए यहाँ पे diagonally, okay? तो यहाँ पे low tide होता है और यहाँ पे high tide होता है और यहाँ पे high tide. और यहाँ पे और एक चीज है हाई हाई जो फुल मून एंड न्यू मून कहाँ पे. फुल मीन्स जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है. फुल मीन्स मीन्स क्या है पूर्णिमा है और न्यू मीन्स मीन्स अमावस्या है. जो फुल मून है यहाँ पे देखो मून है तो इसको फुल मून बोलेंगे. कैसे बोलेंगे क्योंकि ये सन है. सन का जो रे है वो कहाँ पे पड़ता है मून में होता है और मून में पड़ेगा तो उसके बाद क्या होगा ये मून पूरा लाइटेड हो जाएगा. तो लाइटेड हो जाएगा तो हमें जो अर्थ में हम जो ह्यूमन बींग है वो कैसे दिखता है यहाँ पे तो एकदम अच्छा दिखता है ना मून. मून लाइट जो एकदम फुल लाइट फुल मून होता है पूर्णिमा के दिन तो यहाँ पे अच्छा दिखता है ना तो इसको बोलते हैं फुल मून बोलते हैं. ओके ये न्यू मून क्या है. न्यू मून मीन्स अर्थ यहाँ पे रहेगा और मून उसका ऑपोजिट में रहेगा, ठीक है, उस साइड में रहेगा. तो ये सन है, सन का रे यहाँ पे नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे न्यू मून बोलते हैं. मीन्स अमावस्या होते हैं यहाँ पे. कई मून का जो रे है वो कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया. हाई टाइड से हेल्प था नेविगेशन. जब हाई टाइड से होता है तो नेविगेशन के लिए अच्छा होता है. जैसे शिप है या बोट है वो अच्छा नेविगेशन के लिए सही रहता है. लेकिन लो टाइड में क्या है उनको डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि डिफिकल्ट कहाँ पे होता है शोर लाइन में डिफिकल्ट होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा हजारस थिंग्स रहता है. जैसे रक हो गया या कोई बोट डूब गया या कोई ठीक है कुछ भी है बड़ा बड़ा चीज रहता है तो उसको डिफिकल्ट रहेगा. उसके बाद ओशन करेंट्स. ओशन करेंट्स क्या है. ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग द कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेशन डेफिनेट डायरेक्शंस. हमने पिछले लेसन में देखा था डेफिनेट डायरेक्शन में कैसे वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली दिखाया था ना ट्रेड ट्रेड वाला करेंट. ओके द ओशन करेंट्स मे बी वार्म और कोल्ड होता है. जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर. जो इक्वेटर रहता है मैंने आपको दिखाया था एक, ठीक है, ये ऐसे होता है अर्थ होता है और एक बीच वाला लाइन जो होता है इक्वेटर रहता है. तो इक्वेटर के पास पास क्योंकि यहाँ पे सन रहेगा तो यहाँ पे आपको जो इक्वेटर में ज्यादा रेज पड़ेगा तो हीट ज्यादा होगा. तो यहाँ पे क्या है वहां पे रेज ज्यादा होगा तो वहां पे हीट ज्यादा होगा. ओके द कोल करेंट्स कैरिंग द वाटर जो पोलर पोल्स के साइड में ऊपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जाएंगे तो वहां पे कोल्ड वाला जो करेंट मिलेगा. द लैब्राडोर ओशन करेंट इज कोल्ड करेंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इन द वार्म करेंट. द ओशन करेंट इन्फ्लुएंस टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ एरिया. वार्म करेंट्स ब्रिंग्स अबाउट द वार्म टेम्परेचर ओवर द सरफेस. ओके ये देखिए ये हो गया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देख लो. ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का है, ये वेस्ट इंडीज ड्रिफ्ट है, साउथ इक्वेटोरियल करेंट है. ये देखिए इक्वेटर ये है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक द्वीप, ओके अलास्का, ओके ये सब है. एक बार वीडियो को पॉज करके इसको देख लो, अच्छी तरह याद रह जाएगा. यूपीएससी बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है. ये देखिए कोल्ड करेंट जो है इसका सिंबल ये है कोल्ड करेंट, और वार्म करेंट है जो ये है. देखिए बेसिकली बीच वाला जो है एक तो हो गया इक्वेटर हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और ये हो गया टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये दोनों साइड में क्या हॉट रहेगा और पोल के साइड में कोल्ड रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल कंप्लीटेड लेसन 5। थैंक यू।